मन की बातों में मत आ जाना। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है, जो हमें कुछ भी करने से रोकता है। उस मन को कंट्रोल करो। हमारा मन हमारे वश में रहना चाहिए, ना कि हम हमारे मन के वश में। बस इतना समझ लो कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारे मन को नहीं। मन के साथ मत बहो, मन के ऊपर हावी हो जाओ। मन को अपने आगे मजबूर कर दो। मन की लगाम अपने हाथ में रखो। क्या होता है जागना, क्या होता है आंखें खुलना। आंख खोल कर देखना, खुद को देखना। मनुष्य देह में अनंत संभावनाएं हैं। वह चाहे तो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाए, वह चाहे तो समंदर में डुबकी लगाकर मोती खोज लाए। जागना मतलब खुद पर यकीन करने लगना, खुद की ताकत पहचानना। जागना मतलब खुद की कमजोरियों को जानना। जिस तरह हम पाँव में चुभे कांटे को निकाल कर फेंक देते हैं, उसी तरह इन कमजोरियों को अपने अंदर से निकालना मतलब जागना। वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मतलब जागना। जागना मतलब कर्म का रास्ता अपनाना। जागना मतलब अपनी नज़र कर्म पर केंद्रित करना। जागा इंसान उस तने हुए तीर की तरह होता है, जिससे निकला तीर कभी खाली नहीं जाता। यह महाभारत की कथा याद आती है, जो हम सबको पता है, पर हम उस पर कभी सोचते नहीं। गुरु द्रोणाचार्य का प्रसंग तो सबको पता ही है। अकेला अर्जुन ही ऐसा शिष्य था जिसे लक्ष्य दिख रहा था। बाकी सबको तो लक्ष्य छोड़कर बाकी सब दिख रहा था, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। जब अर्जुन की बारी आई, वह धनुष बाण लिए आगे आता है और द्रोणाचार्य उससे भी वही सवाल करते हैं जो सबसे करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। वो तीर छोड़ता है और वो जाकर सीधा पंछी की आग को भेद कर निकल जाता है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जागना मतलब अपने कर्म पर पूरी तरह से केंद्रित हो। जीवन में अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो कर्म करो, मेहनत करो। कोई भी सफलता बिना मेहनत किए नहीं मिलती। वक्त से बड़ा कोई नहीं, उसकी इज्जत करो, एक दिन वह तुम्हारी इज्जत करेगा। वक्त बहुमूल्य है, वक्त से बड़ा कोई नहीं। वक्त सब कुछ है। वक्त को साधारण अति साधारण समझकर इसे कौड़ी के मोल मत गवाओ। ध्यान रखो, वक्त हमेशा आज और यही होता है, वक्त हमेशा वर्तमान होता है। वक्त ना भूत होता है ना भविष्य होता है, इसलिए किसी भी काम को शुरू करने के लिए आज से अभी से बेहतर आरंभ कोई भी नहीं। वर्तमान के साथ चलो, भविष्य तुम्हारा होगा। वर्तमान ही नींव होती है भविष्य की। तुम आज अभी जो कर्म कर रहे हो, उसका पहला भविष्य तुम्हें देगा। सवाल तुम्हारा है, तुम क्या चाहते हो? यूं ही सोते हुए सपने देखकर जिंदगी गुजार कर एक दिन भीड़ में खो जाना चाहते हो? सच में तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, और उसके लिए खुद को तैयार करना है या नहीं, ये सवाल अपने आप से पूछो। इसी वक्त ये सवाल आपको खुद से पूछना है। नींद से जागना है। उठो दोस्तों, उठो। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीता वक्त कभी दोबारा लौट कर नहीं आता, और आने वाला वक्त अभी आया नहीं। कुछ है तो वह यही पल है।
इस पल में तुम क्या करते थे यही मायने रखता है। तो दोस्तों उठो, कुछ करो, सोए हुए लोगों की भीड़ में मत खो जाना, जागते हुए कर्म करते हुए जियो, जीवन को सार्थक बनाओ। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कल निश्चित ही तुम्हारा होगा। उठो दोस्तों, उठो।